नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मॉब लिंचिंग, दलितों की हत्या और जय श्री राम के नारेबाजी और सरकार के खिलाफ आवाज को देश विरोधी बताए जाने को लेकर 49 मशहूर फिल्मी हस्तियों और लेखकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि मुस्लिमों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, तो हम ये कहें कि असहिष्णुता को लेकर जो गैंग था उसकी वापसी हो गई है, क्योंकि चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी हैं उससे तो यही लगता है। चिट्ठी में ये लिखा गया है कि पीएम ने लिंचिंग की घटनाओं की निंदा तो की, लेकिन क्या ये काफी है? क्या दोषियों पर कार्रवाई की गई? चिट्ठी में मांग की गई है कि मॉब लिंचिंग को गैर जमानती अपराध बनाया जाए। तो यानी अब कुछ लोग, जो अवार्ड वापसी वाला गैंग था, वो फिर से सक्रिय हो गया और अब एक बार फिर से देश का माहौल उन्हें सुरक्षित नहीं लगता है। उन्होंने इस चिट्ठी में ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग को लेकर कई बार इसकी निंदा की है, इस पर सख्ती से बयान भी दिए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने से देश विरोधी नहीं माना जाता। No view, the letter is self-explanatory, you can understand. Okay. So you spoke about Jai Shri Ram also. Yeah. Thank you. Right. तो आपको बता दें कि 49 हस्तियां हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि खास तौर पर मुस्लिम लोग जो हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है और कहा है कि अब इनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। जय श्री राम के नाम पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, अब प्रधानमंत्री को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसमें यह भी लिखा गया कि आपको ये खत लिखने का जो मकसद है वो ये, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ बयान देने से अब कुछ नहीं होगा, आपको इस तरफ बहुत ही सख्ती से कदम भी उठाना होगा। तो असहिष्णु गैंग एक बार फिर से सक्रिय, जिन्हें इस देश में अब डर लगता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि हम ये जानते हैं कि सरकार का विरोध करना देश विरोध नहीं होता, देश का विरोध करना नहीं होता, और इसीलिए सरकार को भी ये समझना चाहिए। यानी मतलब ये है कहने का कि अपनी आलोचनाओं को सुनना चाहिए, और अगर इस में और भी मायने निकाले जाएं तो फिर कई बातें सामने आती हैं कि साफ तौर पर क्या ये गैंग ये कहना चाहता है कि अब देश रहने के लायक नहीं बचा या देश में अब सुरक्षित नहीं है लोग। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, राकेश त्रिवेदी भी हमारे, विवेक अग्निहोत्री भी इस वक्त फिल्म जगत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक अग्निहोत्री, इसमें फिल्मी हस्तियां भी हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है, ये अचानक से हो क्या जाता है? जब सरकार एक तरफ ये आंकड़े पेश करती है कि ऐसे आंकड़ों में कमी आई है, राज्य सरकारें कानून बनाने की बात कर रही हैं इसके खिलाफ, तो फिर ये खत लिखकर क्या जाहिर करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, मैं अगर आप समझना चाहें तो क्या है, ये लोग हमेशा से लेफ्टिस्ट लोग रहे हैं, जिन्हें चिट्ठा लिखी 10-20 लोग हैं ये जो लिखते रहते हैं, अपर्णा सेन, अनुराग कश्यप और ये सब लोग, इनको कांग्रेस ने पेट्रनाइज किया हुआ था, क्या कांग्रेस लेफ्टिस्ट का सपोर्ट लेती थी और उसके बदले में इन लोगों को हर तरह की बहुत सारी सहूलियतें और सरकारी काम दिया जाती थी। अब हो क्या गया है, 2014 में जब हारे ये लोग बुरी तरह से, तो इन लोगों के जो दुकानें चलती थी, स्टेट लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल जिससे ये लोग ऐश करते थे, वो सब बंद हो गए। अब समस्या खड़ी हुई तो इनको लगने लगा कि दुनिया में इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सड़क पर उतर के कॉमन मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हो। इनको ये भी नहीं पता होगा बुदायूं और मुरादाबाद किस स्टेट में। और प्रॉब्लम ये है कि जब आप बताइए 1984 में हजारों सिख जो कि माइनॉरिटी है उनकी मॉब लिंचिंग हुई, इनने कभी चिट्ठी नहीं लिखी, एक शब्द नहीं बोला, एक आंसू नहीं बहाया, एक फिल्म तक नहीं बनाई इस इशू पे इन लोगों ने, ये सब क्रिएटिव लोग हैं। जब हिंदू लोगों को वहां से कश्मीर से चार चार टुकड़े काट दिए गए लकड़ी काटने की मशीन में, इन लोगों ने एक आंसू नहीं बहाया जब हजारों वहां से हिंदुओं को भगाया गया, जब मंदिर टूटते ही आंसू नहीं बहाए थे। प्रॉब्लम यह है कि सारा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक तरफ ये सारे जो हेट क्राइम्स और रिलीजियस क्राइम्स कम होते जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही, पर इन लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो रही है, समस्या ये है सबसे बड़ी। और इनके जो लीडर अग्निहोत्री, अभी हाल ही में शबाना आजमी का हमने बयान सुना था, वो भी इसी बात का जिक्र करती हुई नजर आई थी, तो फिर आप इस स्टेटमेंट को बोलकर क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में? वो भी तब सबसे सुरक्षित जगह पर आप बैठे हैं, अपना काम आप कर रहे हैं, वही देश की जनता आपको इतनी इज्जत बख्शती है, उसके बाद भी आप अपने देश के लिए इस तरह के बोल बोलते हैं? हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। देखिए, इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं, जब आदमी की पैसे और रोजी रोटी पर लात पड़ती है तो वो
फड़फड़ाने लगता है। समस्या सारी है, ये सब पॉलिटिशियंस हैं, इनकी अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सब लोग मोदी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, 2002 से उन्हें गाली देते आ रहे हैं, इन सब का अपना एक ग्रुप है। ये अर्बन नेक्सलिज्म इसी तरह से ऑपरेट करती है, कभी अभी देखिए इंटेलेक्चुअल्स आए, अभी कुछ डांसर्स आ जाएंगे, फिर कुछ राइटर्स आ जाएंगे, इस तरह से ये लोग इंटरनेशनली एक ऐसी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इंडिया जो है पिछड़ा हुआ कत्लेआम वाला देश है, जो कि सच नहीं है। इनमें से एक आदमी ने अगर कभी देखा हो किसी की लिंचिंग होते हुए, या ये जानते हो प्रूफ लाके दें एक आदमी जिसकी लिंचिंग हुई हो, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं कैमरे में होता तो पढ़ के सुना सकता था, कम से कम 150 हिंदू लोग जिनकी लिंचिंग हुई है। देखिए हिंदुस्तान में बिकॉज जुडिशरी वीक है, तो जब कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को ठोक देती है तो उसके ड्राइवर को लोग उठा के पीटने लगते हैं, वहां पर लेफ्ट राइट मोदी और राहुल गांधी नहीं देखा जाता है। तो इनको समझना पड़ेगा किस देश में रहते हैं, हमारी सत्यता क्या है, और हम किस तरह से वी आर बिकमिंग वन ऑफ द दुनिया की एक हमें बहुत स्ट्रांग कंट्री बन रहे हैं, और इनको ये बात समझ में नहीं आती। हाँ। ये प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। एक और चीज है विवेक श्रीवास्तव, इस लेटर को भी मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि मुस्लिम, माफ कीजिएगा विवेक अग्नि होती, उसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम दलित यानी अल्पसंख्यक उन पर जो जुल्म है वो बढ़ता जा रहा है। आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस लेटर में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो उन लोगों को या फिर जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको लेकर अब सख्ती बरतने की बात सरकार भी कर रही है, आप उन्हें और बढ़ावा ही तो दे रहे हैं ऐसे। अरे मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जय श्री राम तो छोड़िए, अल्लाह अकबर बोल के जब हजारों इनोसेंट लोगों को मारा जाता है बम फोड़ के, तभी लोग क्यों नहीं चिट्ठियां लिखते हैं? दूसरी बात यह है, ये भारत एक सेक्युलर देश है, सब मिलजुल के रहते हैं। आप देखिए हिंदू लोग भी मिलते हैं किसी से, कहते हैं और खुदा हाफिज इंशाल्लाह और खुदा सलामत रखे, हमारे गानों में जगह जगह पे रब खुदा ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े बड़े पंडित लोगों ने भी ये लिखा है। तो क्या प्रॉब्लम है अगर कोई मुसलमान जय श्री राम बोल दी? यही लोग जो है उकसाते हैं मुसलमान को भी तुम जय श्री राम ना बोलो, क्या बिगड़ गया अगर बोल भी दिया उसमें? तो अगर सामने में, और जहां से मैं आता हूँ यूपी में, वहां तो चलते फिरते मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो कोई भी जय श्री राम बोल देता है। वहां पे मैं यूपी जाता हूँ बनारस में, वहां पे सारे मुस्लिम लोग हर हर महादेव बोलते हैं। पर ये लोग इस तरह की बातें कर करके मुस्लिम लोगों को हमसे अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और वोट बैंक है। ठीक है, शुक्रिया आपका विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। राकेश में मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्योंकि लेटर वहां से ही लीक हुआ है, वहां से ही लेटर का पता लगा है एक्चुअली, तो इसमें और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, और जो ये मीटिंग बुलाई गई तथा कथित लोगों की जिन्हें इस देश में डर लग रहा है, जो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, जो अब जागे हैं, जरा बताइए और क्या कहा उन्होंने? देखिए यहाँ पर एक बात तो साफ है कि सरकार ने कभी भी ऐसी घटनाओं का जो है समर्थन नहीं किया है। सरकार ने खुल करके हमेशा जो है ये कहा है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद इस तरीके का जो लेटर आया है, कहीं ना कहीं इस लेटर के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है इन तमाम 49 जिन लोगों ने इस लेटर में साइन किया उन फ्रेटर्निटी की तरफ से, वो ये कहने की कोशिश करें कि वे खौफजदा है, वे डर में है, वे यहां रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं असहिष्णुता है वो जो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सवाल यहां पर उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज्यादातर जो ये लोग हैं ये मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में ही अपना बिजनेस करते हैं, अगर ये बताएं कि मुंबई में पिछले 2-4 सालों में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिससे किसी को डर लगे या खौफ लगे? मुंबई में तो कभी जय श्री राम के नारे का जो इस तरीके से हिंसा का जो इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही मुंबई में कभी इस तरीके के किसी हेट क्राइम को अंजाम दिया गया। जहां तक सवाल है देश के दूसरे हिस्सों का, तो वहां पर भी जो घटनाएं हैं उसकी आधी अधूरी जानकारी के बिना पर जो है एक इस तरीके से पूरा ये ब्रांडिंग या लेवलाइज करने की, जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अजीब बात यह भी लगती है यहां पर कि खास तौर से सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी समुदाय माइनॉरिटी के बारे में जो जुर्म होते हैं, जो क्राइम होते हैं, सिर्फ उसको लेकर कि ये लोग अपनी चिंताएं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें चिंता दिखानी होती तो ये इन जनरल जो क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो उसमें किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, क्योंकि जो इस तरीके के जुर्म को अंजाम देते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनका एक खास मकसद होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आवाज उठाई गई होती तो बात थोड़ी अलग दिखाई देती। जैसे कि आपको दूसरे जो सहभागी हैं इस शो में वो भी बता रहे थे कि जब खास तौर से किसी मेजोरिटी के खिलाफ जब कोई इस तरीके का काम होता है, तब राष्ट्रहित में ये जो लोग हैं, ये जो गैंग हैं, कई बार जो अवार्ड अपनी वापस कर देते हैं, कई बार असहिष्णुता की बात करते हैं, वो जो है सामने नहीं आते, तख्ती लेकर के सामने नहीं आते, सोशल मीडिया पर सामने नहीं आते। फिलहाल ये जो 49 लोग हैं जिसमें कई सारे बड़े नाम शामिल हैं, इसको लेकर ये जानकारी हमें मिल गई कि पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों से जो है इनकी आपस में बातचीत होकर के एक ये मीटिंग तय की जा रही थी कि आखिर जो है कंटेंट क्या लिखा जाए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्या लिखी जाए, और उसके बाद में एकजुट आकर के जो ये चिट्ठी लिखी हुई होगी।
होगी। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था DYFI की तरफ से, उसमें भी जो है नसीरुद्दीन शाह वहां पर शामिल थे और उन्होंने भी कुछ यही इशारा दिया था। कहीं ना कहीं देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा जो सरकार है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, वो किसी एक खास तबके, समुदाय, एक जाति, एक धर्म के खिलाफ है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सी आगे क्या रूप लेती है, इस पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शन आते हैं, जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। राहुल सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राहुल, इस लेटर में लिखा हुआ है कि जय श्री राम के नाम पर, ये पूरी मीटिंग की जानकारी अभी राकेश ने हमें दी, तो ये स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है? आप ओवरऑल किसी मुद्दे को उठाते तो समझ में आता, फिर तो आपकी मंशा ही गलत है। देखिए, एक बात बड़ी साफ तौर पर है कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में किस तरीके के इस वक्त डेवलपमेंट को लेकर के लोग सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन एक तबका अभी भी उस माइंडसेट पे चल रहा है कि इस देश में जैसे अभी भी इलेक्शंस होने वाले हैं। ये तब तक चीजें ठीक थी जब तक कि इलेक्शन होना था, लेकिन अब भी उसी एजेंडे को लेकर आगे चलाना, यानी कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप देश को बदनाम करना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना चाहते हैं जिससे फिर से बाहर की एजेंसीज यहां पर अपने अपने सर्वे जारी करें और बताएं कि भारत में किस तरीके की असहनशीलता है। जहां तक इस चिट्ठी में जय श्री राम का जिक्र किया गया है, आप पिछले कुछ दिनों में देखिए कई इस तरीके की फेक न्यूज आई जिसमें कहा गया, चाहे गुड़गांव का इंसिडेंट हो, उत्तर प्रदेश का हो, जहां बताया गया कि जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश की गई और पुलिस ने बाद में तफ्तीश में पाया कि यह बात बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल। और अभी इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी क्योंकि इस बात में, जैसा कि अभी राहुल भी इस बात को कह रहे थे कि जय श्री राम को लेकर कितने ऐसे रीसेंट एग्जाम्पल हैं जो फेक नजर आए हैं। अभी हमने हाल ही में देखा जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। तो फिर ये अचानक से, ये गैंग अचानक से आता है और एक लेटर लिखकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। देखिए, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें, होम मिनिस्ट्री के डेटा की बात करें, और आज ही उन्होंने राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई में भी होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में देश में जो ये क्रिमिनल वायलेंस की घटनाएं हैं उसमें काफी कमी आई है। जो डेटा है वो लगातार वो कम होता जा रहा है। तो रिकॉर्ड पर अगर हम बात करें तो ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, जो एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, वो उसमें कोई दम नहीं लगता। दूसरी बड़ी बात आपको पहले समझना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, तमाम ऐसे एनजीओज हैं जिसको मोदी सरकार ने बंद किया, इन एनजीओज जो थे वो तमाम जो अर्बन नक्सल्स हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, इनकी ये चला रहे थे एनजीओज, इनकी फंडिंग रुक गई। कई ऐसे एनजीओज थे जो बाहर से, बाहर के देशों से जिनको पैसे मिलते थे, एक सिंडिकेट था। जब आप सिंडिकेट पर अटैक करेंगे, हिट करेंगे, तो जाहिर है लोग बिलबिला के बाहर निकलेंगे और ये बात ना करके दूसरी ऐसी बातों को लेकर के आएंगे जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। तो ये एक बड़ी पिक्चर में देखने की जरूरत है। ये हर बार, हर छह महीने, एक साल में ऐसे लोग बाहर सामने आते हैं, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अब देश में अगर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे जय श्री राम बोलना अपराध हो गया है, ये इसको एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं एक एजेंडा है जो सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार लगा हुआ है। राहुल, अभी जो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि अभी ऐसे मामलों में कमी आई है और इसको लेकर यूपी सरकार ने भी कदम उठाने की बात कही, और भी राज्य सरकार हैं जो इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कर रही हैं, तो ऐसे में जब हम सबको साथ मिलकर इस पर चलना चाहिए, फिर एक गैंग आता है, वो फिर से सक्रिय होकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है बस। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर जो मनीष बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि वो एनजीओ सबसे ज्यादा परेशान है जिनकी फंडिंग रोकी गई, लेकिन एक वो बड़ा सियासी तबका भी बुरी तरीके से परेशान है जो कि लगातार अपना वजूद कहीं कहीं खोता नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि अब उसके पास बहुत कुछ बचा नहीं है। तो ये दोनों मिल करके एक इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं देश में कि जैसे पूरे देश में असहनशीलता फैली हुई है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में आप इन्हीं लोगों से जब सवाल पूछेंगे कि बिहार और मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी करने के शक में जब किसी शख्स को धर्म न देखकर पीट पीट कर मार दिया जाता है, तब ये लोग कहां खड़े होते हैं। बिहार की घटना हुई जिसमें 2 हिंदू और 1 मुस्लिम व्यक्ति को चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया, इनमें से किसी ने इस चिट्ठी में इसका जिक्र नहीं किया। तो बहुत साफ सी बात है कि ये सेलेक्टेड चीजें उठा करके देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, और ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिलहाल इसका कोई खास असर नहीं होने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एजेंडा चलाना है।
एजेंडा चलाना है और जय श्री राम को लेकर जैसा कि अभी मनीष ने भी कहा एक गलत नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात भी तय है कि अब लोग इसे कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि वो जानते हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई अब इस जरिए लड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।